कौन है? बस बाकी तो कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान में रखिए। जब वीएस लक्ष्मण जब कमेंट्री करने के लिए कमेंट्री कर रहे थे मर्जन साहब, तो वीएस लक्ष्मण ने सुनील गावस्कर साहब जी को कह दिया कि सनी भाई आप अभी शरीफा तो नहीं है कमेंट्री करने के लिए, दीप दास गुप्ता, आकाश चोपड़ा, कपिल सब होते तो बड़ा मजा आता है कमेंट्री में। लेकिन गावस्कर साहब जी ने कह दिया ऐसी कोई बात नहीं लक्ष्मण, ये हमारी संगति है और कमेंट्री हमारा संगीत है, संगीत के तौर के ऊपर लोगों का मनोरंजन करना ये हमारा फर्ज है, बाकी तो कोई नहीं है। साथ हमारे मर्चेंट साहब बहुत ही शानदार हिंदी के बेस्ट कमेंटर है, हम उनके साथ जुड़े, हम बहुत भाग्यशाली है। हमारे साथ हमारे उड़न एसोसिएशन के सदस्य और नवनिचित सलाहकार अतीश जी पाटिल उपस्थित है, बस बाकी तो कोई नहीं दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। ये तिकड़ी हो जाती है लोगों का मनोरंजन करना, कमेंट्री कैसी कैसी नहीं, इससे कुछ हमें लेना देना नहीं है, बस हम आए हैं, हमारे आयोजक ने हमको आमंत्रण दिया है, हम पूरी तरह खेल की जानकारी देना ये हमारा फर्ज है। चलते एक बार मैदान के ऊपर, सत्यम भाई शॉट पिच टप्पा जरूर, ये देखिए शॉट पॉइंट लेके पर कैच लिया पहला झटका, और इसी के साथ देखा जाए तो शायद यहां माहुलगांव टीम के बल्लेबाज वापस आने लगे, लेकर आए सचिन काटकर बैक टू द बॉलिंग। ऑपरेटर सो गया है, धन्यवाद दीजिए। सफलता मिली इस बार शायद सत्यम भोईर को, सफलता मिली जीपी फुंडे टीम को। दूसरे बल्लेबाज मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं मंगेश वैती, यस माफ कीजिए, तो गणेश पाटिल मैदान से बाहर गए और सचिन काटकर और मंगेश वैती अब स्ट्राइक के ऊपर खेल रहे सचिन मंगेश वैती। माहौलगांव टीम की दादागिरी भी शायद देखा है, बंबई से आते हैं लेकिन दादागिरी रायगढ़ में स्थापित किया उन लोगों ने। उस जमाने का गाना भी बहुत फेमस था कि बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, लेकिन यहाँ फुंडे टीम अपने घरेलू मैदान के ऊपर खेल रही है ऐसा मैं समझता हूँ। क्या जलवा दिखाएंगे? लैपटॉप मोड़ देखिए, ये देखिए शायद बल्ला जोर से घुमा दिया, लेकिन ये तू मई में जरूर चल रही, मगर इस बार देखा जाए तो शायद यहाँ कोई संपर्क नहीं हो चुका है और ये गेंद डॉट चली गई है। छक्कों की हैट्रिक के लिए योगेश भोईर इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। सत्यम भोईर अभी तक इस ओवर की शायद दो गेंदें समाप्त हो चुकी है, पहली गेंद के ऊपर उन्हें सफलता मिली लेकिन यहाँ रन लेने का खाता ओपन नहीं हो चुका है, मगर यहाँ विकेट लेने का खाता ओपन हो चुका है। ये अच्छी गेंद देखी, ये गेंद का सम्मान किया और अपने फॉर्मेट में गेंद को करेक्ट कर दिया, कोई रन नहीं। बिल्कुल सत्यम भोईर के लिए एक सुनहरा मौका है, अगर वो हैट्रिक ले सकती है तो शायद समायरा सिद्धेश पाटिल इनके तरफ से 500 रुपए का इनाम है, 1000 रुपए का इनाम है। ये देखिए एक बार फिर से कवर पॉइंट के ऊपर खेलने का प्रयास जरूर किया है लेकिन इस बार गेंद बल्ले का संपर्क हो रहा है, लेकिन बढ़िया फील्डिंग चल रहा है, पहला पावर प्ले चल रहा है, बांध कर रखा था इस बार देखा। क्या है एम्पायर, दोनों जांच कीजिए पहले। और इस प्रकार जाए इस बार देखा जाए एम्पायर सुरक्षित है, जानते हैं यहाँ लगभग देखा जाए लेकिन यहाँ कोई हानि नहीं है, स्कोर जगह पे रुका है नहीं, लगभग देखा जाए 0 रन।
एक विकेट के नुकसान में। क्या पहले आरंभिक गेंदबाज, पहले मेन गेंदबाज सत्यम मोहर की पहली गेंदबाजी, इस गेंद के ऊपर विकेट ले सकते थे 500 का इनाम है। समायरा संदेश पाटिल, सिद्धेश पाटिल, स्कोर कोई नहीं है इस बार। माहौल गांव टीम की स्थिति और स्ट्राइक के ऊपर मंगेश वैद्य खेल रहे, मंगेश वैद्य होकर भी अवस्था हो चुकी है। इस बार गेंद का सम्मान किया है, अनसाइड के ऊपर गेंद को खेल दिया है, सिंगल मिली और सिंगल के साथ देखा जाए तो पहला पावर पे देखिए सक्सेस और साबित हो चुका है। इस ओवर में लगभग देखा जाए एक